हेलो एवरीवन, मैं नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं रबशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सबका बहुत ज्यादा हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने भी हमें सपोर्ट किया, मोहब्बत दी। हमारे मतलब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं 65K, मतलब 65,000 हमें सब्सक्राइबर हो गया है। हाँ। तो आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप सबने किया है। इसी तरह एक दिन आएगा जब आप 1,00,000 हमारे सब्सक्राइबर कर देंगे, तब तो हम भाई डांस करेंगे, हम सेलिब्रेशन करेंगे कि 1,00,000 स्पेशल ना आप सबके साथ सेलिब्रेट लाइव किया जाएगा। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं भाई, रमजान में जो है ना फूड प्राइसेस कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। सनम जज जी की वीडियो है, वो भी जाके जरूर देखेगा। और लाइव हम देखेंगे भाई, इंडिया से है ना प्रशांत है, वो हमें दिखाने वाले हैं कि जो है ना इंडिया में हमें जो रमजान में ना चीजों की जो प्राइस है ना वो क्या चल रही है। और पाकिस्तान से एक लड़की है, वो भी बता देंगी कि भाई यहाँ पे क्या चल रही है। ऐसा करते हैं वीडियो को देख लेते हैं। उससे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। देखते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, मैं हूँ सनम जज और आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है प्रशांत ने, जो कि इंडिया में सहाफत से ताल्लुक रखते हैं। नमस्कार प्रशांत, कैसे हैं आप? सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने साथ लाइव जोड़ा, और पाकिस्तान की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रशांत कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आप सब व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, और जैसे ही पाकिस्तान में रमज़ान का आगाज होता है तो पाकिस्तान का जो कह लें कि माफिया है, मुनाफा खोर माफिया, वो पाकिस्तान की जो खाने पीने की अशिया है उसमें हद से ज़्यादा इजाफा कर देता है। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फलों की कीमतों में, सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है। मतलब जो सब्जी पहले हमें 50 रुपए किलो मिलती थी, अब वो 100 रुपए किलो मिलती है। बात करें रमजान का, ये मुबारक महीना मुसलमानों के लिए कहते हैं कि रहमतों और बरकतों का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान जो है वो रोजे रखते हैं, और ये होली महीना होने के नाते हमारी सरकार को चाहिए कि वो हमें इस महीने में रिलीफ दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सरकार है वो चीज़ों की कीमतों में दुगना इजाफा कर देती है। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है प्रशांत ने, जो कि आज एक फल मंडी में मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर इस वक्त फलों के क्या रेट हैं, रमज़ान में जो है इंडिया की सरकार वहाँ के मुसलमानों को कितना रिलीफ देती है। देखिए, इस वक्त मैं सराजी जो है दिल्ली की फल मंडी में हूँ, और ये दिल्ली की नई दिल्ली की फल मंडी कहा जाता है, द्वारका फल मंडी यहाँ पर है। और देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से फलों की दुकान लगी हुई है, क्योंकि रमज़ान आने वाली है तो बहुत अच्छे से जो है फलों की दुकान सजी हुई है। तो आपने रेट की बात करी है, तो अब रेट की बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस किस तरीके के फल वहाँ पे आपने देखे और क्या रेट चल रहा है? अंगूर तो रखे नहीं है, अंगूर तो है नहीं। केले की हम बात करते हैं तो केले के रेट की अगर मैं बात करूं तो केला वो फल है जो रमजान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब फ्रूट चाट के अंदर कहते हैं कि फ्रूट चाट जो है वो केले के बगैर जो है इनकम्प्लीट होती है। तो केले का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपए दर्जन है। देखिए, केले का रेट 250 रुपए दर्जन है, लेकिन यहाँ पे मैं केले का रेट अभी पता करूंगा। यहाँ पर केला रखा हुआ है, मैं कहूंगा इधर आए कैमरा लेकर के और इनसे मैं पता करूंगा। भाई से, भाई आप बाहर आ सकते हैं? क्या रेट है यहाँ पर केले का, क्या रेट है भाई? 70 रुपए दर्जन है। 70 रुपए तो आप देखेंगे दर्जन, बताए आप, आइए भाई यहाँ पर। केला का 60 है, 70 है, तोल वाला भी है। केला का रेट 60 है और 70 है। पर हम यो आप लेकर अच्छी चीज है देने ना, हम हां देख रहे हैं जी। ये 60 रुपए है और 70 रुपए, ये 60 रुपए दर्जन केला है। देखो दिया देख सकते हैं कि आपको लाइव हां देख रहे हैं, देख रहे हैं दर्जन केला है सनम जज जी। और यहां पर मात्र 60 रुपए में एक दर्जन केले आप खरीद सकते हैं। हालांकि जब आप खरीदने आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उससे कम रेट भी आपको केला मिल जाएगा, 150 रुपए। लेकिन जो 250 रुपए की आपने बात कही तो ये तो इम्पोसिबल है यहाँ पे। और मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ भाई साहब, से पूछ रहा हूँ भाई साहब, इधर आइए। क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर 250 रुपए दर्जन है केले? हो सकता है नहीं है तो क्या लगता है सुन के, जब सुनते महंगाई ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, महंगाई ज्यादा है तो ऐसे में आपको क्या लगता है, या तो 5 दर्जन के लिए आ जाएंगे, 5 दर्जन के लिए आ जाएंगे सर जी यहाँ पे तो ज्यादा ही आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रशांत सेब की।
फ्रूट चाट के अंदर, क्योंकि रमजान में सबसे ज्यादा फ्रूट चाट खाई जाती है, इसलिए हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो फ्रूट चाट के अंदर डलते हैं। केला प्रशांत ने बताया कि यहाँ पे 50 रुपए, 60 रुपए और 70 रुपए दर्जन मिल रहा है, और अगर हम बहस करें तो इससे कम पर भी मिल सकता है। अब हम आते हैं सेब की तरफ, तो पाकिस्तान में जो सेब है वो 300 से 350 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, और अगर हम अच्छे सेब की तरफ जाएं, इम्पोर्टेंट सेब की तरफ, तो वो 400 से 500 रुपए पर केजी है। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं सेब के रेट पता करता हूँ भाई साहब, यहाँ पे सेब के रेट क्या है? सेब भाई बहुत महंगा है। कौन सा सेब? सेब जो है इम्पोर्टेंट जो है अमेरिका वाला सेब, अमेरिका वाला जो सेब है 200 से 220 रुपए से लेके 240-250 तक है। 220 से 240-250 अमेरिका वाला, अमेरिका वाला सेब। जो कश्मीर वाला सेब है, कश्मीर वाला सेब है 120 से लेके 140 तक, 120 से 140 रुपए किलो। यहाँ पे सना जी कश्मीर वाला सेब है, और अमेरिकी सेब क्या बताया आपने? 220 से लेके 240। और कौन सा सेब होता है? वो अमेरिका का एक फ्यूजी है। फ्यूजी बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी। जो भारत का जो हाई फाई रेट है फ्यूजी के, वो 220 से लेके 260 तक है। देखिए फ्यूजी का जो सेब है वो 220 से 260 है, मतलब यानी मैम, हाँ बताइए, सबसे हाई फाई रेट ये हो गया फ्यूजी के। हाँ, जो चाइना हाई फाई रेट जो हम लोग खरीदते हैं, वो सेब क्या भाव है जो हम लोग खरीदते सबसे ज्यादा? ये देखिए, ये कौन सा सेब है? ये है सेब जो है वो सेब है, ये अमेरिका का सेब, अमेरिका का है। हाँ, 220 से लेके 240 और कम कर देंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। जो 2-3 किलो लेगा तो और कम हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान में क्या रेट बताया सना जी आपने? मैंने बताया, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अमेरिका का सेब भी मिल रहा है, कश्मीर का सेब भी मिल रहा है, तो यहाँ पर जो अच्छा सेब है वो 400 से 500 रुपए किलो, जबकि नॉर्मल सेब जो है वो 300 से 350 रुपए किलो मिल रहा है। देखिए 400 से 500 रुपए किलो वहाँ पे सेब है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहेंगे इस पे? बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, वो गरीब आदमी कैसे खाएगा? सही गल है, 400-500 रुपए का कमांदा है, वो कैसे खाएगा? रमजान कैसे बनाता है? खाए नहीं है, खाए सकता गरीब आदमी जो है यहाँ पर। रमजान में और मंदा हो जाता है, काफिर से बांध लगता है कसम। गरीब इंसान यहाँ पे रमजान नहीं मनाता, गरीब इंसान पाकिस्तान में रमजान। अब रमजान में आपके पास मुस्लिम भाई आएंगे खरीदने? बहुत काफी रहता है भाई। क्या रेट रहेगा रमजान में? रमजान में और मंदा हो जाता है, ढला होता है रमजान में, काफी आने लगता है। अच्छा, यहाँ पे मंदा क्यों होता है, उल्टा क्यों है? पाकिस्तान में तो हाई होता है, हिंदुस्तान में मंदा होता है? हिंदुस्तान में ये है कि सेब के जो मात्रा जो है पार्टी सब रोक के रखा है, सब पूरा सेब आ जाता है। अच्छा, रमजान में ये सब निकल जाए इसमें। देखो अंदर की बात सना जी आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सेब रोक के रखी हुई है, जो स्टॉक में रहता है, तो वो सेब भी रमजान में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेब और सस्ता हो जाता है और लोगों को यहाँ पर राहत मिलती है। हाँ, यहाँ पर लोगों को राहत मिलती है। अभी पाकिस्तान की सरकार जो है वो धड़ाधड़ जो है फ्रूट एक्सपोर्ट, मतलब अपने लोगों को दे नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा फ्रूट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। 80 तक है लास्ट। नहीं, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के, यहाँ पे तो और इम्पोर्ट होता होगा मुझे लग रहा है भारत के अंदर। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो फल बाहर भेजे जा रहे हैं रमजान की वजह से। भारत के फल बाहर नहीं जाता है भाई, भारत का फल भारत में बिकता है, बहुत अच्छी चीज है। पहले अपना कंट्री केयर हो, भारत का फल तो भारत में ही बिकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है प्रशांत के, वहाँ पर रमजान में रेट मजीद कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ मुनाफा खोर जो है वो पूरे साल का रमजान में ही कमाते हैं, पता है रोज है, मुनाफा खोर है वहाँ पे बिचौलिए जो। अच्छा, यहाँ पे बिचौलियों का क्या काम होता है? बिचौलिए रेट नहीं बढ़ाते भारत? नहीं, बिचौलिया नहीं बढ़ाता है, बिचौलिया के लिए सरकार बहुत कड़ाई किया है यहाँ पर, इसलिए नहीं बढ़ाता है। अब नहीं बढ़ रहा, अब नहीं बढ़ रहा। क्या लग रहा है इस सरकार में? कौन कौन से फ्रूट है यहाँ पर, अभी मेरे बताइएगा। अभी इन्होंने मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख सकती हैं, इन्होंने मेरे हाथ में अभी संतरे दिए हुए हैं, और मैं संतरों के रेट पूछता हूँ, संतरा क्या भाव है यहाँ पे? संतरा है 60 से लेके 80 तक, 60 से 80 रुपए किलो। ज्यादा लीजिएगा तो 70 की भी भाव पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि 60 से 80 रुपए किलो है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो 70 पड़ जाएगा, 70 रुपए किलो यहाँ पर संतरा है रमजान के अंदर। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है 250 से 300 रुपए चला गया है, 250 से 300 रुपए, 250 से 300 रुपए संतरा, 40 से लेके 50। नहीं सुनिए, वो कह रहे कि 250 से 300 रुपए चला गया संतरा पाकिस्तान के अंदर। भाई गलत है, जनता मार दे, जनता दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अच्छा, जब ये आप ये सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, कैसा लगता है सुन के? बहुत महंगाई है भाई वहाँ पर, बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। क्या नाम है आपका?
राजकुमार। राजकुमार जी, जी। तो जब सुनते तो मन करता है कि हम पाकिस्तान जाए घूमने, ये सुन के तो वो आएंगे नहीं। क्या कारण मानते आप इसका? वहाँ पे महंगाई है, महंगाई है जो सरकार के ऊपर में है, सरकार के निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। ये तो कह रहे आपकी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। अभी भाई साहब यहाँ पर और भी फल लेके बैठे हैं, और मैं कहूँगा अंगूर के बारे में बताएं, अंगूर क्या रेट चल रहा है आपके? अंगूर 70 से लेके 80 रुपए तक किलो है। 70 से 80 रुपए किलो। हाँ, अगर ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें भी 5-10 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। कह रहे ज़्यादा लीजिएगा और भी कम हो जाएगा, 70 से 80 रुपए किलो यहाँ पे अंगूर चल रहा है। यानी रमजान में मुस्लिम भाइयों के हिंदुस्तान में बहुत मज़े आने वाले हैं सना जी। अच्छा, हमने ये भी सुना पिछले दिनों कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वुमेन्स डे पर जो है आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम परवीन है भैया। परवीन जी, परवीन भाई जब ये सुनते हैं आपके, परवीन भाई मेरे साथ है, परवीन भाई जब ये सुनते हैं आपके वहाँ पर 100 रुपए कम कर दिए गैस सिलेंडर के भारत के अंदर, तो सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, इस सरकार में तो लोग कह रहे थे महंगाई हो गई थी थोड़ी बहुत, मुझे तो कुछ नहीं लगी भैया। आपको कुछ नहीं लगी? हाँ जी। सना जी देखिए यहाँ पे खुश हैं लोग, सिलेंडर की कीमतें कम होने से बहुत खुश हैं। आपको कैसा लगा जब 100 रुपए कम हुए सिलेंडर? अरे मैं तो खुद बहुत खुश हूँ, मैं तो खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा प्रशांत, इनसे पूछे कि इंडिया की आवाम चाहती है, इनसे पूछे कि क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, हमारे बॉर्डर वीजा फ्री होने चाहिए ताकि वहाँ के लोग यहाँ आ सके और यहाँ चाहिए यार हो जाए तो मजा आ जाए। इंडिया की आवाम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के, अब सना जी पूछ रही हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है लाइव, वो पूछ रही हैं कि आप चाहते हैं भाई भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। बेहतर कौन करेगा, हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे ना, वो बेहतर करे। बिल्कुल, हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे, अपने कैसे बेहतर होगा? कैसे बेहतर करना चाहिए, क्या उन्होंने गलती की हुई है? वो तो क्या नहीं गलती की है, उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए हैं हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के तो अपनी हालत, उनको अपने हालत पे छोड़ दिया, अपने हिंदुस्तान अपना अलग। अच्छा, आज पाकिस्तान के बारे में मैं सना जी अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ के लोग क्या सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं आप पाकिस्तान के बारे में भारत के अंदर? मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ भाई, मेरे इंडिया के लिए नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कुछ तो सुना होगा कि पाकिस्तान में सब चीज़ें हैं, महंगाई है। महंगाई है तो वहाँ की वो जो है पॉलिटिशियन जो है वो कंट्रोल होगा, कैसे मेरी जनता सुखी रहेगी? कि जब कश्मीर मिल जाएगा तब हम लेन देन शुरू करेंगे भारत से। कश्मीर मिल जाएगा? हाँ, कश्मीर उनका जो है वो तो था, कभी कश्मीर उनका, कश्मीर तो इंडिया का था। कश्मीर इंडिया का है, वो पाकिस्तान भी तो इंडिया से ही बट के गए हैं। अरे ये कह रहे हैं कि सना जी भाई साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर कहाँ से दे दे, आप भी तो इंडिया से निकले, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है, तो कश्मीर कहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा? क्योंकि कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा है फिर लौट के इंडिया पे ही आना है। बिल्कुल 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 सही बात है। जब अच्छी खासी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान परेशान ट्रेड होती थी, कश्मीर के मुद्दे को लेके इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। कश्मीर का मसला तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा, पहले एक समझौता वो बंद कर दी गई, बंद कर दी गई। अब आप देखें कि ट्रेड बंद होने की वजह से यहाँ के किसानों को और वहाँ के किसानों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खैर, वहाँ के किसानों के लिए तो वहाँ की सरकार बड़े अच्छे इकदाम करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को रिलीफ तभी मिलेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलेगी। टमाटर सस्ता होगा, प्याज सस्ता होगा, फल सब सस्ता होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सना जी। देखिए, मैं वहाँ के हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि वहाँ के हुक्मरान अब इस वीडियो को भी देखें, और जैसे आप पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार पाकिस्तान के लिए इतना काम करें जो पाकिस्तान को भारत की सच्चाई पता चलती है। क्योंकि वहाँ तो अब तक मैं आपकी भी वीडियोज़ देखता हूँ और पत्रकारों की देखता हूँ, वो ये लोग यही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है। और ये गलत फहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने टॉयलेट हैं, इतने फिर इसे कोई शब्द कहना नहीं चाहिए कि आप, आपका एक एक आदमी यहाँ टॉयलेट में रह आके अगर रुके ना खत्म तो नहीं होते, खाली रहते इतने टॉयलेट हिंदुस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने खुद ये बात की थी कि हम जो हर बार टॉयलेट के ऊपर ताना देते हैं, तो पाकिस्तान से ज्यादा टॉयलेट अब इंडिया के अंदर बन चुके हैं।
और हम जो हर वक्त कहते हैं कि वहाँ गुर्बत बहुत है, और जो हम कहते हैं कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, तो भाई आप देख लें कि इंडिया कितना सस्ता है। इतना सस्ता होने के बाद उस मुल्क में गुर्बत कैसे हो सकती है? गुर्बत से तो हमारे लोग मर रहे हैं, लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई फूड कंपैरिजन, खासतौर पे फलों का जो है ना कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा था रोजे में। आपको पता है हमने कल मैं एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टॉक जो होता है ना वो निकाल लेते हैं बाहर रमजान के मंथ में ना, तो जिसकी वजह से जब ज्यादा चीजें आ जाए मार्केट में तो फिर वो सस्ती हो जाती है, तो ये लोगों को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन भाई पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो कोई बंदा एक फल नहीं खा सकता, कि फल जो है ना वो इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि यहाँ पे ना खाना मुश्किल हो गया है। जो गरीब लोग हैं वो तो हमें सोचे भी ना कि वो, क्योंकि एक बंदा हमें जो बंदा 500 या 1000 रुपया चलो हर बंदा ही कमा लेता है, ठीक है 1000 रुपया कोई कमाता है उसमें से वो क्या क्या करेगा बेचारा, वो अपना लेके आएगा, फल लेके आएगा, क्या आटा लेके आएगा। सही बात है, यही तो चीजें हैं बेचारे। मैंने लोगों को रोते हुए अपने मतलब देखा है आसपास के लोग रोते हुए, हमारे यहाँ आप मांगने आते हैं कहते हैं हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, मतलब इतने बेचारे मजबूर। किसी का दिल चाहता है मांगने को, किसी का दिल नहीं चाहता मांगने को, लेकिन रमजान में आपको पता है कैसा मंथ है, जो चीज मिलती है भागे जाते हैं, ऐसे 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 जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। सही बात है, कहते हैं हमें दे हमें दे, कैसे भूख है ना, भूख भूख इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। लेकिन भाई इंडिया में जो चीजें है ना वो बहुत ज्यादा सस्ती है। अम्मी मुझे हमारी गली में हम सोए सब कहते हैं हमें को दे, वही ना सबको यही है कि हमें दे दो हमें दे दो, लेकिन क्या अम्मी कहा जाए। अल्लाह आप सबको दे, कोई किस तरह दे सकता किसी को, इतने लोगों को नहीं दे सकता भाई ना। ये हुकूमत अगर चीजें सस्ती कर दे तो इंसान को फायदा नहीं है, हर बंदे को फायदा होगा। ये हुकूमत का काम बनता है कि वो हर चीज पे ना रिलीफ देता कि जो दूसरा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ कितने को लोगों के लिए कोई कुछ कर सकता है, लेकिन हुकूमत का काम है कि वो सारी चीजों कहीं मिलता पता चलता है ना, जो कहीं पैसे या खाना मिल रहा है भागे भागे जाते हैं आगे कुछ भी नहीं होता, मजबूरियां फिर आ जाते हैं बेचारे मजबूर लोग हैं ना, क्या करें अम्मी वो भी। और आप बोल रही थी इस वीडियो के बीच में कि अगर इंडिया में 60 रुपए या कितने रुपए दर्जन केले हैं तो वो अगर पाकिस्तानी पैसों में करे तो, लेकिन अम्मी उनकी कमाई जो है ना वो उनके रुपीज में एक बंदा जो है ना एवरेज पैसे पता कितने वहां पर कमा लेता है, कोई 25-30 हजार रुपया कमा लेता है, 30 हजार रुपया तो वो 30 हजार रुपया मिलती है तो वो तो गुजारा हो जाता। वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ, यहाँ 30 हजार रुपया जब उनका आता है ना तो वो 1 लाख रुपया बन जाता है, ठीक है इतना फर्क पड़ जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो लोग एक एवरेज कितनी आमदनी कमाता है 30 हजार 35 हजार इतनी कमाता है, तो फर्क देखे ना आप यहाँ पे तो फर्क आ जाता है कि हमारे और तो सब कुछ सही है। हाँ वही ना, हमारे ट्रेड खुल जाए तो मजा आ जाए सच्ची में। ऐसा होना चाहिए कि है ना वीजा फ्री हो जाए बॉर्डर और आप इधर उधर जाए आए तो आप खुद सही हो जाएगा, लोग भी आ जाए हम भी, कोई होता है ना कोई चलो एक दिन के टूर पे सही लोग जाते हैं फिर आ जाते हैं, जैसे गुरुद्वारे यहाँ पे आते हैं एक दिन होता है तो उनके बस पे आते हैं हम फिर चले जाते हैं, ऐलान होता है फिर आपका टाइम हो गया तो सब चले जाते हैं। हाँ तो बहुत ज्यादा ना मतलब इस तरह से कंपैरिजन अभी देखने में मिला। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा महंगाई है तो, लेकिन आपके वहाँ पे बहुत ज्यादा रमजान में सस्ती कर दी गई है। जिनको ये लोग बोलते हैं काफी रह गए है वो है काफरों ने फिर पकड़ के जो है भाई सब्जियां सस्ती कर दी है। जो आप सच्चे मुसलमान बने फिरते हैं आपने तो फिर की ना, आप फर्ज तो आपका बनता था उनका तो नहीं था, उधर भी चीजें सस्ती है बस इधर बर्बाद में करते इधर ही है। हाँ तो हो रहा है हाँ सब कुछ यहाँ पे ही हो रहा है, लेकिन हमारे कंट्री के अब क्या हालात अभी का आपसे बोला जाए आप सबके सामने ही है, आप हमारे लिए दुआ करें। अम्मी मेरी का बट्टा आज सीधा ही नहीं हो रहा, अम्मी जब से वीडियो शुरू हुई है ना तब से ईट बट्टे को कर रही है। कोई बात नहीं, क्या बात है अम्मी गुस्सा चल गए, नहीं कोई तकलीफ तंगी है आपको? तंगी नहीं है आप, मैं ये बोलती थी एक जगह पे बैठे आप कभी कुछ कर रही है ऐसे करूंगी। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी मिलता है कौन भी।